हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं बहुत ही प्यारा सा बैग जो है एलन सोली का, उसका अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ दोस्तों। और ये दोस्तों मैंने मंगाया था कुछ, इसकी जो प्राइस थी वो था 3700 के आसपास, और मैंने ऑर्डर किया था 2000 रुपीज़ का। यस, 2049 समथिंग मैंने कुछ ऑर्डर किया था आफ्टर ऑल डिस्काउंट। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ऑफिस गोइंग बैग है ग्रे कलर में। और दोस्तों ये जितना काफ़ी बड़ा बैग है, मतलब जो आपको ऐसे स्क्रीन पे इतना नहीं समझेगा, बट इट्स क्वाइट बिग बैग। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी मुझे इसकी एवल लगी, और दोस्तों इसका पैटर्न डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको इसको अंदर से ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर स्पेस कैसा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है, और ये पता नहीं क्या पेपर, यार कितने पेपर ये लोग वेस्ट करते हैं, इतना सब भर भर के देते हैं। बट एनीवेज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लैपटॉप रखने के लिए बहुत अच्छा सा स्पेस है। मतलब अगर एक आपके पास कॉम्पैक्ट लैपटॉप है तो बिल्कुल आप इसके अंदर रख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स रखने के लिए बहुत सारा यहाँ पे कंपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी अंदर, मुझे तो ये बैग दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी अंदर से भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और बाहर से भी ये दिखने में बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही गुड लुकिंग बैग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये बैग है। सो दोस्तों इस बैग के साथ जो है, मैंने ये देखिए पीछे पॉकेट भी है, मतलब यू कैन कीप एनी स्मॉल थिंग्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, योर कॉइन्स एंड ऑल। तो काफ़ी अच्छा बैग है। और दोस्तों ये थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इस तरीके का मटेरियल जो है ना, लेदर टाइप वाला जो होता है वैसे यूज़ हुआ है। और इसके साथ मैंने दोस्तों एक ड्रेस ऑर्डर की थी, आपने ड्रेस मुझे मेरे पहले व्लॉग में पहने हुए देखा होगा। यस दोस्तों, ये वीडियो मैंने थोड़े पहले ही की है जो मैंने रिकॉर्ड की थी, और अब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैंने इसे सोचा कि चलो आप लोगों के सामने मैं जो है शेयर करूँ। तो ये 750 के आसपास मैंने ड्रेस मंगाई थी, काफ़ी डिसेंट सी ये ड्रेस है दोस्तों। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, इसका कलर मुझे काफ़ी काफ़ी पसंद आया, न्यूड शेड में इस तरीके का कलर जनरली थोड़ा सा बॉडी पे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे पास एक छोटी सी क्लिप थी जो पहले की इस पहनने के बाद जो था मेरे पास, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहनने के बाद ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए काफ़ी प्यारा सा डिसेंट सा ये ड्रेस है, और यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत जल्द मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टाटा।